नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपके लिए मंडी परिषद का प्रैक्टिस सेट एक लेके आया हूं। इसमें मैथ के केवल क्वेश्चन है, मैथ का ये प्रैक्टिस सेट पहला है। इस तरह चंद्रा इंस्टीट्यूट ने प्लान किया है कि आपको हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट पेपर दिए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएँ। हाँ मित्रों, एक काम आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जितने लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा उतना बेहतर होगा। आपके कमेंट से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और भी अच्छा करने के लिए। हम लोग देखिए कितना मेहनत करते हैं, आपके लिए प्रश्न लिखते हैं, पहले अलग करते हैं कौन से प्रश्न आ सकते हैं, फिर उन प्रश्नों को लिखते हैं। तो दोस्तों, इतना काम आपका भी बनता है कि लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जितना अधिक लोग जुड़ते हैं उतना ही हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, मंडी परिषद का प्रैक्टिस सेट मैंने एक सेट किया है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-12 क्वेश्चन का सेट है। मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे फिर हम उस तरफ आपका सोल्यूशन देंगे। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं इसमें। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो प्रत्याशी ने भाग लिया, पहले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतों की संख्या। बेसिक सा क्वेश्चन है, आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। प्रतिशत की हाईएस्ट वैल्यू होती है 100%, तो दोस्तों कुल मत हो गया 100%। दो लोग चुनाव लड़ रहे थे, जो जीता है उसने पाया 60%, तो दोस्तों हारने वाला पाएगा 40%। मेरे भाइयों, अगर 100 ही मत डाले गए, जीतने वाले को 60 मिलता है, तो निश्चित तौर पर हारने वाले को 40 मिलेगा। दोस्तों, इन दोनों के अंतर से ही जीत हार होती है, तो अंतर आया 20%। अर्थात पहला वाला प्रत्याशी दूसरे वाले प्रत्याशी से 20% से जीत गया और इसने कहा कि वो जीता है 1200 से, तो 20% और 1200 इक्वल है, देन 1% इक्वल टू 1200/20। आपको टोटल मत चाहिए दोस्तों, आपने ऊपर लिख रखा है कि कुल मत 100%, तो 100% बराबर 1200/20 और गुणे 100। मित्रों, 20 × 5 = 100, 12 × 5 = 60, तो टोटल मतों की संख्या 6000। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, पहले का उत्तर आ गया 6000 मत। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया। ठीक है दोस्तों, अब आप अपने स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन देख लें। हम दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ लें एक बार, तो मैं उसको सॉल्व करा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कहता है कि एक भिन्न के अंश को 150% बढ़ा दो और हर को 250% बढ़ा दो, तो 2/3 होता है। आइए दोस्तों, माना भिन्न बराबर x/y। मित्रों, क्यों? x अंश हो गया और y हर हो गया। मित्रों, 150% बढ़ाने का मतलब होता है कि 100 में 50 बढ़ाना है, सॉरी 100 में 150 बढ़ाना है। तो जब 100 को 150 बढ़ाएंगे तो ये होगा 250। मित्रों, 250 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 350। और कहता है इसे सॉल्व करने पर 2/3। मित्रों, आपके मन में आ रहा होगा 100 कहाँ गया, तो दोस्त इसका बटे 100 और इसका बटे 100, तो 100 से 100 ऑलवेज कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 25, 5 × 7 = 35, 3 × 6 = 3×5 = 15 x = 7 × 2 = 14 y। तो मित्रों, x = y तुलना किया जाता है दोस्तों, तो x की वैल्यू आई 14 और y की वैल्यू आई 15,
और रेशियो का मतलब ही होता है मित्रों भिन्न। तो हमारा उत्तर आ गया 14/15। तो मित्रों ऐसे भी क्वेश्चन आपके मंडी परिषद में आ चुके हैं, तो दोनों क्वेश्चन एकदम आसान सा आपको लगा होगा। अब देखिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों कि अगर वृद्धि कहा है तो 100 में जोड़कर कॉम्बिनेशन और कमी कहा है तो 100 में से घटाकर कॉम्बिनेशन। इस प्रश्न के लिए बढ़ाया मतलब 100+150, यहाँ भी बढ़ाया तो 100+250, अगर घटाने को कहता तो 100 में से उसको घटा देते। मित्रों हम चाहेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लें एक बार। क्वेश्चन देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सारे को ऐड किया 385 पूछता है इसका क्या। मित्रों ये भी आसान होता है, ये इसका सॉल्यूशन देखा जाए। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे 10 का स्क्वायर 385 है ना दोस्तों। कहता है कि 3 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर +60 का स्क्वायर। दोस्तों 3 का स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं या 1 स्क्वायर दूसरा। इसमें से 3 स्क्वायर लेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर ऐसे 10 का स्क्वायर। मेरे भाइयों 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 का 9 गुड़े मेरे भैया, इसकी वैल्यू ये दिया है 385 मल्टीप्लाई आंसर 9 5 45 4 हासिल, 9 8 72 4 76 7 हासिल, 9 3 27 7 34। तो उत्तर आ गया 3465। क्या दोस्तों कुछ कठिन लग रहा है? नहीं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, तो इन पे आप खास ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मित्रों अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर रुक करते हैं, तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ें। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत ही आते हैं, तो इसलिए इसके लिए एक छोटा सा क्रय मूल्य वाली वस्तु 5 सेकंड में होगा ये, माइनस विक्रय मूल्य वाली वस्तु, विक्रय वाली वस्तु लिख दे रहा हूँ केवल, बटे हमेशा विक्रय वाली वस्तु और दोस्तों गुड़े में 100। अगर उत्तर पॉजिटिव आया तो लाभ और निगेटिव आया तो हानि। आंसर की बात हो रही है, यदि आपका उत्तर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट मिलेगा, निगेटिव आता है तो लॉस होगा। मित्रों क्रय मूल्य वाली वस्तु थी 25 और विक्रय मूल्य वाली वस्तु थी 20, आपने क्वेश्चन पढ़ा, बटे विक्रय मूल्य और गुणे 100। दोस्तों 5/20 गुणे 100, दोस्तों 20 5 100 25% और ये पॉजिटिव आया तो मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मित्रों इसका भी आंसर आ गया 25%। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं, मैंने इसको इसलिए बताया कि मंडी परिषद के प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखें तो कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आप जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर रुक करें। 5वां क्वेश्चन लिखा गया है, कहता है दोस्तों नल ए किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। तो दोस्तों ए भरता है 15 में, बी भरता है 20 में। तो कहता है कि नल ए 15 मिनट में और बी 20 मिनट में, अगर मैं दोनों को खोल दूं, तो दोस्तों इसके कई रूल होते हैं 1/15 धन 1/20, लेकिन मैं आपको बताता हूं इनका लासा ले लीजिए, लासा 60 आया, आपका यही कुल कार्य हो गया या कुल क्षमता हो गई उस टंकी की। ठीक है, जो आप समझें 15 मिनट में 60 भाग तो 1 मिनट में 15 चौका 60, 20 मिनट में 60 भाग तो 1 मिनट में 3। दोस्तों
ये चार भरेगा, ये तीन, तो दोनों मिलकर एक मिनट में भरेंगे सात भाग। टोटल भरना है 60 भाग, तो टाइम लगेगा 7 × 56 और 4/7 मिनट। मित्रों, इसे सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मित्रों, आपका ये आ गया 4/8 = 4/7 मिनट। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पर रुक करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉन्ग मेथड से लगाएं तो द्विघात समीकरण बनता है और सॉल्व करने में काफ़ी देर लगती है। एक व्यक्ति 750 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो समय में 5 घंटे की बचत होती है। पूछा गया उस व्यक्ति की वास्तविक चाल। तो दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि हम हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें बेस बहुत लंबा चाहिए, लॉन्ग चाहिए। हम आपको शॉर्ट रूल बताते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। आइए दोस्तों, इसका रूल छोटा सा, dx/t का ऐसा गुणनखंड करिए, ऐसा गुणनखंड करें, गुणनखंड करें कि अंतर वृद्धि / कमी के बराबर हो, वृद्धि / कमी के बराबर हो। दोस्तों, जब वृद्धि होगी तो वृद्धि के बराबर, जब कमी होगी तो कमी के बराबर। डी मतलब टोटल दूरी, एक्स मतलब वृद्धि और समय में बचत, कितना? 5। मित्रों, 5-5 कट गया। 750 को दो पार्ट में तोड़ना है, डिफरेंस वृद्धि 5 है तो 5 के बराबर हो। तो मित्रों, मुझे लगता है कि 25 और कितना, 30। हम अंतर देखिए, 5 का अंतर है 25 और 30 में। तो दोस्तों, ये उसकी वास्तविक चाल है और ये उसकी वृद्धि के बाद की चाल है। भाई, आप 25 किलोमीटर से चल रहे हैं, 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो 25 × 5 = 30। तो मित्रों, यही क्वेश्चन करने में आपको 5 मिनट गुजर जाएंगे अगर आप बेसिक से करेंगे। मैंने आपको एकदम शॉर्ट रूल बताया, इससे आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आइए हम अपने प्रश्न के अगले क्रम में चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या हो सकता है। मैंने अगला प्रश्न आपका कौन सा ले रखा है, इसे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आप गौर कर लें तो मैं आपको बताऊं। 4,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसे मिटा दें, नहीं, ये अगला क्वेश्चन रहेगा। देखिए, हम लोग रटते हैं सूत्र, क्या P = CI/P 1+R/100 t - p। बकवास। आइए हम आपको बताते हैं। आपने जब दोस्तों 4,000 जमा किया तो 10% की दर से पहले वर्ष आपको ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला कितना रुपया? पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिला है 400। मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, जीवन में ब्याज का क्वेश्चन ऐसा कभी गलत नहीं होगा। 4,000 का 10%, तो 4,000 × 10/100 तो मिला 400 रुपया। दोस्तों, दूसरे वर्ष इससे ब्याज मिलेगा कै रुपया? सॉरी, 400 रुपया। मित्रों, चक्रवृद्धि का मतलब ही होता है कि ब्याज से भी ब्याज वसूलो। तो इस 40 से भी 10% ब्याज मिलेगा 400 से, तो 40, तो 2 वर्ष बाद टोटल ब्याज मिला 4, 4, 8 और 40, तो 840 रुपया। दोस्तों, एक बार फिर से देखेंगे, 4,000 रुपये से पहले वर्ष 10% की दर से 400 रुपया ब्याज। अब जो 400 रुपया ब्याज बना वो मूलधन में जुड़ गया, तो दूसरे वर्ष इससे तो 10% पाएगा ही 400 रुपया। मित्रों, इससे भी 10% पाएगा 40, तो टोटल ब्याज
पहले वर्ष 400, दूसरे वर्ष 440, तो टोटल हो गया 840। मित्रों आप अगला क्वेश्चन देखें, इसे हम साफ कर देते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं इन सब चीज़ों का। ओफ ओफ, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ये मिट गया, मैं पुनः लिख देता हूँ। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज की दर से, यहाँ कितना लिख लीजिए आप, कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। ऐसा ही कुछ लिखा था मित्र, स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों साधारण ब्याज है तो आप मूलधन जो मन करे मान लीजिए, मैंने मान लिया मूलधन है 100 रुपया। मित्रों अब ये कहता है मिश्र धन इसका दोगुना होना चाहिए, तो 200 रुपया। दोस्तों आपने मुझसे 100 रुपया लिया था, 200 लौटाया, तो आपने मुझे ब्याज दिया 100 रुपया। और ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सॉल्व करने पर आता है SI साधारण ब्याज। दोस्तों मूलधन 100, रेट पता नहीं, टाइम 4 बाई 100 इजकल टू SI भी 100, कैंसिल आउट, तो R बराबर 25%, क्योंकि 4 से कट जाएगा। या दोस्तों दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, N-1 R/T गुणे 100। क्या है दोस्तों, N गुना है तो 2-1। अब प्रश्न में देखेंगे कि R दिया है या T दिया, तो दोस्तों T दिया है और गुणे 100। तो ये देखो 4 से 25 और 2 में से 1 गया 1, तो दोस्तों 25%। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों कि सर ने 100 माना, आप 1 मानिए, 2 मानिए, 5, 10, बस जो मानिएगा उसका जो कहे उतना गुना करिएगा। तो मित्रों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों हम इसे साफ कर देते हैं। 9 देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है 9, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा सूत्रों का प्रयोग है। एक आइसक्रीम का कप है जो कि शंक्वाकार है, दोस्तों इसे शंकु कहते हैं। और मित्रों ये कप तो भरा है, ऊपर इसके अर्ध गोलाकार आकृति में आइसक्रीम भरी है। मित्रों कहता है कि शंकु की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या भी है 7 सेंटीमीटर। दोस्तों वो जानना चाहता है कि आइसक्रीम कितनी है, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा आइसक्रीम का आयतन बराबर, आइसक्रीम का आयतन बराबर, दोस्तों देखिए दो आकृति बनी, एक तो शंकु बनी, तो शंकु का आयतन और प्लस ऊपर अर्ध गोला है तो अर्ध गोले का आयतन, क्योंकि मित्र आइसक्रीम तो जब आप खाएंगे तो इसको फेंक तो देंगे नहीं, ये भी खाएंगे, अंदर वाला भी खाएंगे, भाई आप चालाक व्यक्ति हैं, ऊपर वाला भी नहीं छोड़ते, वो भी बटोर जाते हैं। अब देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h और गोले का आयतन होता है 4/3, लेकिन अर्ध गोला उसका आधा होता है πr³। दोस्तों मैं नीचे वाला क्वेश्चन आपका मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम तो मैंने कर ही लिया है। देखिए 1/3 और पाई और आर स्क्वायर कॉमन, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, तो दोस्तों मैंने इसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ एच बचा और यहाँ बच गया 2r। ध्यान से देखिए मित्रों, तो 1/3 × 22/7 × 7 × 7
ये हो गया 7 और ये हो गया 14। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में त्रिज्या भी 7 है और हाइट भी। तो दोस्तों अब हम लोगों को इसे काटना है, तो हो गया 22/3 गुणे 14/7। देखिए 14 और 7 21, तो 3 7 21, तो 7 2 14, 7 2 14 115, 154 घन सेंटीमीटर। दोस्तों एक बार हम पुनः आपको बताएंगे, शंकु का आयतन 1/3 πr² h और अर्ध गोले का 2/3 πr³। मैंने 1/3 πr² कॉमन ले लिया, तो यहाँ h बचा, यहाँ 2r बचा। दोस्तों फिर यहाँ मैंने वैल्यू रख दी, ये h की वैल्यू 7, r की भी वैल्यू 7 2 14, सॉल्व कर दिया तो आइसक्रीम जो भरी थी वो 154 घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन वगैरह का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये गलत ना हो। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का। राम किसी कार्य का 1/2, तो बेटा राम 1/2 भाग करता है कितने दिन में? मित्रों करता है 10 दिन में, तो दोस्त पूरा भाग करेगा, पूरा भाग करेगा कितना दिन? 10/1/2, तो 10 × 2 = 20 दिन। मित्रों उसी प्रकार से जो मोहन है वो मोहन 3/5 भाग करता है 9 दिन में। दोस्तों तो पूरा करेगा कितने दिन में? अब तो आप एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं इसमें, 9/3/5, तो दोस्तों 9 × 5/3। दोस्तों जब भाग दिया जाता तो ऊपर पलट जाता है, 3 × 9 = 15 दिन। अब कहता है दोस्तों अगर दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितना दिन? तो दोस्तों बेहतरीन आपको मैंने बताया, राम करता है 10-20 दिन में और मोहन जो है वो करता है 15 दिन में। इनका लासा टोटल कार्य होता है, तो लासा हो गया 60। मित्रों ध्यान रखिए, ये सब बटे बटे चक्कर छोड़िए, 20 और 15 का एलसीएम 60, 20 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 3 काम, 15 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 4 काम। राम 3 किया, इसने 4 किया दोस्तों, और दोनों मिल गए तो 1 दिन में 4 और 3 = 7 काम। और दोस्तों समय पूछा है, 1 दिन में ये लोग 7 काम करते हैं, उसे 60 काम कराना है, तो 60/7, 7 × 8 = 56 और 4/7 दिन। मित्रों वीडियो आपको अच्छी लगेगी निश्चित तौर पर, ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले प्रश्नों में से हैं, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इसके लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। दोस्तों आपके लिए हम लोगों ने प्लान किया है, बहुत ज़्यादा सेट पेपर देंगे, इतना देंगे कि आपके एग्जाम में उससे बाहर जाएगा नहीं। ठीक है मित्रों, अगला सेट लेकर मैं जल्द ही आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।